अब हम लोग आज के लेक्चर में स्क्रू जैक का असेंबली करने जा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। वो आप लोग पहले इसका पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल करके इसको आप लोग अपने सामने रखिएगा। तो इसमें डिटेल्स में देखिए दिया हुआ है, फर्स्ट में है बॉडी, ये पोर्शन हमारा बॉडी है। अगर आप यहाँ भी देख पा रहे तो इसको यहाँ भी हम लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम हाथ में लेकर के इसको आप लोग को बता रहे हैं, ये हमारा बॉडी पोर्शन है। तो बॉडी पोर्शन का देखेंगे, बॉडी है, दूसरा में है बुश, तो बॉडी में बुश इंटर करेगा, और तीसरा हमारा जो है स्क्रू, जो हमारा अप डाउन यानी जो निकलेगा और घुसेगा स्क्रू में, वो तो हमारा है तीसरा स्क्रू, और चौथा है कप, जो लोड को वहन करेगा, इसी कप पर लोड रखाएगा, और इस कप को सेट करने के लिए, ठीक है, इस कप को सेट करने के लिए पांच नंबर में हमारा है ये बासर है, और बासर के बाद हमारा सेट स्क्रू है जो इसे हम कस देंगे। तो छः और सातवां है हमारा टॉमी बार। तो टॉमी बार क्या करेगा, टॉमी बार हमारा हैंडल है जिससे हम स्क्रू को अप एंड डाउन कराएंगे। तो किसी भी डिटेल्स टू असेंबली को बनाने के पहले सबसे फर्स्ट बार में हम बॉडी पर ध्यान देते हैं, बॉडी। तो फर्स्ट में हम बॉडी को बनाएंगे। तो ये हमारा देखिए बॉडी है, तो बॉडी को हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले हम एक बीच वाला सेंटर लाइन को हमने एक्सिस लाइन ले लिया है, और इसके बाद देखिए हम लोग सबसे बेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो बेस वाला ये जो लाइन है हमारा 140 है, देखिए 140 के बाद 100 है, और 100 पे ये 3 mm का एक गैपिंग का लाइन है, वो हम लोग पहले बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग 140 का लाइन ले लिए। अब इसके बाद क्या किए हम लोग, इसके बाद ये 100 mm का यानी सेंटर से इधर 50 और सेंटर से इस साइड 50 ले लिए, और ये जो गैपिंग है यहाँ दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस गैपिंग को 3 mm ले लेते हैं। अब ये देखिए इधर से जो हमारा साइड का जो ये हाइट उठा है ये है हमारा 20, और ये इस साइड गया है 100 लेंथ तक। इसका मतलब ये 20 और इधर से 120 रिड्यूस होगा 140 में, तो हमारा ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ 100 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका डायमेंशन भी ले लिया है, ये हमारा डायमेंशन है 20, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, इसके लेवल में हम एक यहाँ एक पॉइंट ले लिए हैं, इस पॉइंट से हम 165 का हाइट, देखिए किनारे से साइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से 125 और 40 165 है। तो हमने फिलहाल क्या किया कि यहाँ से 165 का लेंथ ले लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर का जो देख रहे हैं इंटरनल डायमीटर 50 है और एक्सटर्नल 75 है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 50 और 75 का हम लोग नाप ले लेंगे, यहाँ पे इंटरनल 50 और बाहरी 75। तो सबसे पहले हम 75 का ले लेते हैं, ठीक है। एक सौ पैंसठ पे हम 75 ले लिए, और उसके बाद 50 भी ले ही लेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने इंटरनल 50 ले लिया और एक्सटर्नल हम 75 ले लिए है। अब 50 वाला कितना डाउन आएगा, तो आप लोग देखिए इस 50 वाला जो डाउन आया है वो 40 mm आया है, फिर ये ऑटोमेटिक 125 बच जाएगा। तो हम 40 mm नीचे आ रहे हैं,
अब देखते हैं कि आगे चल के ये जो गैप है ये 9 mm का हो जाता है। देखिए आगे यहाँ जो ये लेग आएगा ये इसका मोटाई जो है 9 mm है, तो 9 mm इस साइड और 9 mm इस साइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 50 है और ये 75 है, तो 50 में से 75 बच जाएगा चला जाएगा तो 25, तो ये हमारा 12.5 है, ये हमारा 12.5 है। तो 12.5 में हमको 9 देना है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ 12.5 है, हमको 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए हमको 12.5 में 9 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 3.5। इसका मतलब है कि 3.5 हम इसको इधर ले जाएंगे, 3.5 हम इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 3.5 इधर ले जाने से क्या हुआ कि ये जो 12.5 था वो अब 9 बच गया, यहाँ भी 12.5 था तो ये 9 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ से इसको मिला देते हैं और इसके बाद ये जो इसके पैरेलल चला आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से इसी के पैरेलल चला आएगा 9 का। और ये इस पे जहां बैठ जाए, ठीक है, ये हमारा गैप जो है 9 mm का यहां से यहां तक लगातार हो गया ये। ये हमारा लेग का पोर्शन तैयार हो गया। इसका मतलब है कि ये गैप हमारा जो है 9 mm होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट बॉडी बन करके तैयार हो गया। तो देखिए एक बार फिर से समझिए कि हम यहाँ से यहाँ 140 लिए हैं, तो सेंटर लाइन से 70 इस साइड, 70 इस साइड लिए, फिर इस पे 20 इस साइड खड़ा किए, 20 इस साइड खड़ा किए, फिर देख रहे कि इसका भी खड़ा कर करके यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो हम 140 में 20 इधर ले गए, 20 इधर ले आए, तो इसके बीच का गैप 100 बच गया। अब यहाँ पे हम इंटरनल 50 लिए हैं, ये हमारा इंटरनल डायमीटर 50 है और ये बाहरी 75 है, तो ये 25 में 12.5 ये हुआ, 12.5 ये हुआ, तो हमको 9 लाना था, तो 9 इसके बीच में 9 लाना था, तो हम 3.5 इस साइड ले गए, 3.5 इस साइड ले गए, इसके बाद इसको हम यहाँ से यहाँ मिला दिया और ठीक इसी के पैरेलल इसको यहाँ से हम जब ले आए, तो ये दोनों के बीच का जो रेंज है वो हमारा 9 mm मोटाई आ गया है। अब ये देखिए, ये जो हम इस साइड इसको दिखा रहे ये हमारा है 40 mm। आप लोग हाथ में इसको ले करके रखिएगा प्रिंट आउट को, तभी समझ में आएगा और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक 125 है इसका लेंथ। ठीक है, इसके बाद ये 20 है, तो ये हमारा बॉडी बन करके तैयार हो गया। तो चूंकि हमको इसको फुल सेक्शन में दिखाना है, तो इसलिए हम लोग इसको 45 डिग्री पे 3-3 mm के गैपिंग पे हैचिंग कर दे रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये बॉडी बन चुका है हम लोग का। अब इसमें हम लोग बूस को फिट करेंगे और बूस फिट करने के बाद इसमें हम स्क्रू को डालेंगे, स्क्रू डालने के बाद कप को सेट करेंगे और फिर कप को कस देंगे। कप को कसने के बाद फिर हम हैंडल लगाएंगे। आप लोग देखते जाइएगा, हम पूरा बना करके आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हम बनाते चलेंगे इसको। 3-3 mm के गैपिंग पे 45 डिग्री का एंगल पे हम इंक्लाइन लेंगे।
ये हमारा बॉडी बन करके रेडी हो गया है। इसमें अब हम स्क्रू को सेट करेंगे, पहले तो बुश को फिट करेंगे, बुश फिट करने के बाद स्क्रू को इसमें डालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब बुश को फिट करने जा रहे हैं। अब हम लोग इसमें बुश को फिट करेंगे। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बुश का जो है इंटरनल डायमीटर 50 है और इसका टोटल हाइट 45 है। तो ये वाला जो निकला हुआ पोर्शन है बुश का, ये इसमें अटक जाएगा, इसमें रुकावट आ जाएगा, तो ये पूरा बुश अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये हमारा 9 और इसका भी हमारा मोटाई है 9, 9 9 18, तो 45 में से 18 घट जाएगा तो आएगा 27। तो ये बुश का 27 पोर्शन अंदर घुसेगा और 9 9 पोर्शन ऊपर रहेगा। तो देखिए क्या करते हैं हम कि बुश का 27 पोर्शन, बुश का 27 जो है हम अंदर ले लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कवरिंग कर लिए, इसको बुश का ये पोर्शन हमारा 27 हो गया, 27 अंदर चला आया और 9 9 पोर्शन ऊपर निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन देखिए जो इस पे अटकेगा, ये हमारा टोटल दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक 88, इसका मतलब है 44 इधर होगा, 44 इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 44, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल हम लोग ले लिए 44, यहाँ से 44 इस साइड, 44 इस साइड। तो यहाँ भी इसको निकाल देंगे और इस तरह से इसको हम लोग कवरिंग कर देंगे, यहाँ भी इसको इसके लेवल में निकाल के इसको हम लोग इस तरह से, यानी कि बुश इस पे फिट हो करके बैठ जा रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी 9 mm का है, बुश के ऊपर बॉडी 9 mm, तो यानी कि कहाँ से 9 है वो अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो बाहरी पोर्शन है यहाँ से हम 9 ऊपर गए, इसका जो बाहरी पोर्शन है यहाँ से हम 9 ऊपर गए, फिर हम लोग इसको मिला देते हैं इस 9 वाले पोर्शन को। ठीक है, अब ये इस पे बैठ चुका है हमारा, ये टोटल हाइट हमारा हो गया, ठीक है, 45 नहीं, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक 45 हो गया। ये 27 प्लस 9 36 प्लस 9, ओ नहीं यहाँ से ये नहीं है, इंटरनल डायमीटर पर से ये उठा हुआ है 50, यहाँ से ये है इंटरनल 50, ठीक है। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, काहे क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसमें हमको क्या बनाना है, इसमें हमको स्क्रू बनाना है। तो स्क्रू को ये हमारा बुश बन करके रेडी है। तो देखते हैं कि बुश में और स्क्रू में क्या अंतर आ रहा है या क्या हो रहा है बुश और स्क्रू में, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे बुश का इंटरनल डायमीटर 50 है, तो बुश का इंटरनल डायमीटर ये 50 में 50 सेट कर चुका है, इसका हमारा जो डायमीटर है ये 50 में 50 सेट हो गया है। अब देखिए ये पोर्शन मेरा 27 है, ये 9 है और ये 9 है, टोटल हमारा हाइट 45 हो गया। अब इसमें है स्क्रू, थ्रेडिंग किया हुआ है इस बुश में, जिसमें हमारा ये जो बड़ा वाला स्क्रू हम लोग देख रहे हैं उसको इंसर्ट कराएंगे। तो ये देख रहे हैं कि इसका भी, इसका जो थ्रेडिंग पोर्शन का डायमीटर है वो 40 है। तो यहाँ भी हमारा जो थ्रेडेड पोर्शन है उस भी, वो भी लिखा हुआ है स्क्वायर 40 × 6 RH, तो 6 RH यानी 6 mm का मोटाई का हम स्क्रू का थ्रेड बनाएंगे, 45 डिग्री के एंगल पर ही लेंगे या 30 से 45 डिग्री के थ्रेडिंग एंगल हम लोग ले लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि
स्क्रू, ये जो स्क्रू इसमें जो जाएगा और इसका स्क्रू उसका स्क्रू एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा, तभी हम लोग इसमें लोड मतलब स्क्रू को अप डाउन करा सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये मिल जा रहा है, इसका भी 40, इसका भी 40। तो अब हम लोग यहाँ जो ये 50 है, तो यहाँ से 10 mm इस साइड और 10 mm इस साइड का यहाँ से थ्रेडिंग पोर्शन को लाएंगे, और हम लोग देख रहे हैं कि थ्रेडेड पोर्शन का कुल हाइट जो है स्क्रू में हम लोग देख रहे हैं कि 165 है। तो देखिए 165, तो हम लोग यहाँ से 165 लेंगे। तो यहाँ से 165 लेने का मतलब है कि देखिए 165 यहाँ से हम लोग ले ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये 40 mm का ये थ्रेडिंग कर लिए, इसके अंदर 1 से 2 mm का हम गैपिंग ले लिए थ्रेड बनाने के लिए। तो थ्रेड अब हम लोग कैसे बनाएंगे थ्रेड उसको हम लोग देखेंगे। तो थ्रेड का जो डेप्थ होगा 6 mm, यहाँ से हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं 45 mm का। तो 30 से 45 mm पर हम ये एक इंक्लाइंड लाइन ले लिए हैं, और ये 6-6 mm पर हम इसको लेते चलेंगे। देखिए इसको हम लोग 6-6 mm पर इसको पारते हुए जाएंगे, और इसको हम लोग नीचे यहाँ तक पूरा पारेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसको हम पूरा लाइनिंग कर चुके हैं, इसमें क्या करेंगे, एक को लेंगे एक को छोड़ेंगे, एक को मिटा दे रहे हैं, एक को लिए एक को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा थ्रेड क्लियरली पता चलेगा कि हमारा थ्रेड क्या है और कौन सा है। एक अल्टरनेट करके हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग भी रबर से इसको मिटा सकते हैं, एक लेने के बाद एक छोड़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये अंदर वाला इसको मिटा देंगे, या 2H पेंसिल का यूज कर सकते हैं हम लोग। इस साइड भी जब इसको ही लिए हैं तो इसको इसको मिटा देंगे। देखिए इसको 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 देखिए इस प्रकार हमारा ये थ्रेड बन करके तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जो हमारा स्क्रू था,
अब हम लोग स्क्रू को बनाएंगे। तो देखिए स्क्रू पर क्या है कि जहां पर से ये खत्म हो रहा है थ्रेड, वहां पर ये लाइन जो है इसके 9 mm के ऊपर, जिसका डायमीटर है 65 mm, तो 9 mm छोड़ करके हम 65 mm का डायमीटर पे लाइन दे देते हैं, और इससे 50 फिर ऊपर 9, इसका मतलब 9 50 और 9 पर हम तैयार करते हैं इसके बॉडी को, स्क्रू के बॉडी को 9 50 और 9। तो सबसे पहले हम यहां से 9 50 और 9 का लाइनिंग लेते हैं, 9 फिर उसके बाद 50, 9 50 फिर 9, यहां तक हम लिए। तो जो ये जो 9 छोड़ करके जो हम लोग लिए हैं, इस 9 को छोड़ने पर जो है ये हमारा डिस्टेंस कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये हमारा है 65 mm डायमीटर, ठीक है। तो 65 लेंगे तो 65 यानी 32.5 इस साइड, 32.5 इस साइड, ठीक है। तो देखिए इसको हम 9 पर हम यहां और यहां, इसके बाद 50 पर हम ठीक है, इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको भी हम लोग मिला दिए, ठीक है। यहाँ पे बीच में सेंटर पे इसका जो होल है उसका डायमीटर है 12, ठीक है। तो 12 डायमीटर के लिए हम यहाँ पे होल ले लेंगे, ये होल का डायमीटर है 12। इसमें फिर नर्लिंग हम लोग कर देंगे, देखिए इस तरह से नर्लिंग इस तरह से होगा, ठीक है, क्रॉस करके नर्लिंग कर देंगे। ये जो होल देख रहे हैं 12 mm डायमीटर का, इस होल में हम इस टॉमी बार को फिट करेंगे। तो देख रहे हैं कि टॉमी बार का जो बाहरी डायमीटर है ये 12 mm है, तो ये 12 mm में आसानी से फिट हो जाएगा, और इसका जो डिस्टेंस है वो 65 mm है, ठीक है। तो टॉमी बार का जो डिस्टेंस है इसमें 65 हो जाएगा, तो ये पूरा ये होल हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 65 ही है, तो 65 में हम आसानी से फिट कर सकते हैं। अब देखिए इस ये 9 mm, यहाँ पे भी एक 9 mm का हम लाइनिंग ले लेते हैं, ये 9 mm है, तो यहां से जो है 45 डिग्री पर एक लाइन आएगा, इसको कॉर्नर को मिल जाएगा, यहां से 45 डिग्री पे आएगा, इस कॉर्नर को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम या तो इसको 45 दिखाए या इसको 45 दिखाए, यहां भी 45 डिग्री पे जहां जाके मिल जाएगा, यहां भी ये इस साइड जाएगा 45 डिग्री पे इस साइड, इसको इसके लेवल में यही काटेगा, देखिए इस तरह से इसको इस लेवल में यहां पर इसको काटेगा 45 डिग्री पे, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा देख रहे हैं कि लगभग हमारा स्क्रू कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो है 9 mm का और कितना डायमीटर का, 25 mm डायमीटर का, तो 25 mm 12.5, तो यहाँ पर 9 और इसके लेवल में यहाँ पे 9, ये 3 mm, ये है हमारा 9 mm का। इसके ऊपर हम लोग कप को बैठाएंगे, और ये जो है ये जो है 12 mm का, इसमें स्क्रू जाने के लिए होल भी है 12 mm का। अब इसको ऊपर हम लोग कप को बैठाएंगे, ठीक है। उसके पहले अभी हम लोग देख लेते हैं शुरू से 140। सबसे पहले हम लोगों ने बॉडी बनाया, बॉडी के बाद बूस को डाले हैं। तो बूस के लिए ये जो हम लोग हैचिंग किए हैं इसको क्रॉस कर देते हैं, मतलब कि ये दूसरा पार्ट है, तो दूसरा पार्ट के लिए हम लोग क्रॉसिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इसके अपोजिट में हम इसको क्रॉसिंग कर दिए बॉडी को, ठीक है। तो ये हमारा बुश हो गया, बुश बनने के बाद हम इसको में स्क्रू को डाले हैं, और स्क्रू में ये टोटल पोर्शन था, तो ये 9 mm का जो गैप है, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9,
ठीक है, ये सब 9-9 mm का है। इस साइड हम दिखा सकते हैं डायमेंशन 9 9 9, ये 9, ये 9, ये 9, और ये हमारा है कितना 50। ठीक है, अब ये भी हमारा 9 है। इसके ऊपर जो है हमको कप को रखना है, इसके ऊपर हम लोग को कप को रखना है, और कप को रख करके स्क्रू को कस देंगे। यहाँ पे टॉमी बार अभी बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टॉमी बार पे। तो देखते हैं कि टॉमी बार का हमारा जो पोर्शन इसमें इंटर करेगा, इसमें जो घुसेगा टॉमी बार का, ये लेंथ हमारा 65 है। तो इसको देखिए, इसका डायमीटर के साथ 65 है, तो ये हमारा 65 हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। अगर टॉमी बार पूरा इंटर किया हुआ है इस वाल से लेकर के इस वाल तक, तो हमारा जो है जब इसको हम लोग घुमाएंगे तो उस समय हमको ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। अगर कम घुसाएंगे तो लेंथ कमेगा, तो हमको ज़्यादा लोड देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ कर लिए। अब देखिए यहाँ के बाद टॉमी बार कैसे बनेगा, तो 65 आ गया है। अब यहाँ के बाद 45 डिग्री का एंगल आया है, यहाँ से हम 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर ले जा रहे हैं। कितना दूर तक, तो पहले टॉमी बार का ये हम एक्सिस पहले बना लेते हैं बीच वाला। टॉमी बार का एक्सिस, तो हम देख रहे हैं कि टॉमी बार का जो मोटा वाला पोर्शन है इसका डायमीटर देखिएगा आप लोग, लास्ट में है 20 mm। तो 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे हम दो लाइन पार लेते हैं। ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा ये, ठीक है, ये इसको जहां आकर के काट देगा 45 डिग्री, वहीं पर हम इसको मिला दिए हैं। और ये जो है पूरा यहां से जो लेंथ है इसका 280, पूरा यहां से 65 घटा देंगे तो इसका पूरा लेंथ कितना आएगा, 215 टॉमी बार का लेंथ आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने ये टॉमी बार को भी बना लिया है। अब देखिए अब क्या बनाना है हम लोग को, बच गया है कप। तो कप कैसे बनाएंगे, तो कप का भी ये 9 mm पे जो बाहरी हमारा डायमीटर है ये 45 है, तो 45, और ये देखिए ये हमारा 45 ही है। देखिएगा ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ है ये 45 है। तो 45 पे हम कप का बेस को 45 पे इंटर करा दिए हैं। अब यहाँ से जो हमारा हाइट है कप का 30 है, तो अब हम लोग 30 mm कप का हाइट ले लेते हैं यहां से बेस से 30, ये कप का हाइट, ये हमारा कितना हो गया 30, हाइट हमारा कप का 30 mm हो गया। अब देखते हैं कप कैसे बनता है। कप का जो ऊपर का जो पोर्शन है देखिए, ये वाला कप का ऊपर का पोर्शन है 65, तो 65 कहाँ है, तो 65 इसके बराबर है। देखिए इसके बराबर हम यहाँ काट दिए, इसके बराबर इसको यहाँ काट दिए, तो इसको यहाँ से हम इसको इंक्लाइंड कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ हमारा कप 65 है, 9 mm पे अंदर घुस गया है इसमें पोर्शन। अब देखिए कप को बना रहे हैं, कप को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये 9 mm पे ये सेटिंग भी है। अब इसके ऊपर जो ये लाइन गया है, ठीक है, ये 4.5 mm का है इसका, यहाँ से 4.5 mm का ये एक लाइन आएगा, 4.5 गैपिंग का नीचे तक, यहाँ से भी 4.5 mm गैपिंग का नीचे तक आएगा, और इसको हम लोग यहाँ मिला देते हैं इसी के पोर्शन पे 9 mm वाला में। तो ये हमारा 9 mm आ गया, लिख चुके हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, तो कप हमारा बैठ चुका है। अब कप में भी जो होल होगा यहाँ पे वो है हमारा 12 mm, जो कि ये 6 नंबर में दिया हुआ है सेट स्क्रू 25 mm हाइट का। तो 25 mm हाइट पर कप स्क्रू नीचे आएगा 25 mm, और ये देखिए कप में ऊपर में यहाँ पे पोर्शन कटा हुआ दिख रहा है, इसको भी बना देते हैं हम लोग।
ये हमारा कप का पोर्शन भी तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ से 25 mm, तो ये 9, 9, 18 और 7 mm हम लोग इसमें आ जाएंगे। इसको हम लोग कसेंगे कैंची से, जो सेट स्क्रू दिया हुआ है उससे हम लोग इसको कस लेंगे। इसमें भी थ्रेडिंग होगा, इसको भी डॉट 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 कर देते हैं। इसका हमारा 25 mm है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 45 डिग्री पे ये इधर गया है, 45 डिग्री पे ये इधर गया है, ठीक है। और इसका मोटाई जो है यहाँ से यहाँ तक ये 8 mm है। इसका जो ये मोटाई है यहाँ से यहाँ 8 mm है। और ये जो कप का हाइट है बेस से, कप का हाइट जो है बेस से 30 mm है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कहीं पे भी लास्ट में ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे इस स्क्रू जैक को बनाया है। सबसे पहले स्क्रू जैक में हमने बॉडी को बनाया, बॉडी बनाने के बाद इसमें हम लोग बुश को डाले हैं, ठीक है। बुश डालने के बाद इसमें हम स्क्रू को सेट किए हैं। इस स्क्रू का जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो हाइट है ये 165 है, 165 mm का है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग इस स्क्रू का इस पोर्शन को बनाए, तो इस पोर्शन को कैसे बनाए, 9 mm, फिर 50 mm, फिर 9 mm पे हम तीन वो लाइन पार लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बेस से इसको पे 45 डिग्री ले लेते, ऑटोमेटिक है कि यहाँ से यहाँ 165 ही आएगा, ठीक है। तो 165 ये, और इसको जो हैंडल लगाए हैं तो हैंडल में भी देख रहे हैं कि ये 65 ही है। तो हैंडल इस एंड से इस एंड तक गया है, इसका भी डायमीटर 12 है, तो ये आसानी से इस होल में इंटर कर गया है। और इस हैंडल का पूरा लेंथ 215 है, इसका जो डायमीटर है 20 mm है, ठीक है। तो यहाँ से 10 ऊपर 10 नीचे लाइन गया, और यहाँ से ये 45 डिग्री हम इंक्लाइन कराएं, जहाँ ही कट गया है उसको हम लोग मिला दिए हैं। उसके बाद हमने कप को रखा है इस पे, कप का टोटल हाइट 30 है, यहाँ ले चुके हैं। इस दोनों का गैप 9 mm है, और ये यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं ये हमारा है 25 mm, और ये हमारा 8 mm है इसका स्क्रू का, सेट स्क्रू का। तो इस प्रकार हमारा स्क्रू जैक का असेंबली तैयार हो गया। ये हमारा स्क्रू जैक का असेंबली है, और इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। तो इसको ये वीडियो आप लोग को तभी समझ में आएगा जो हम ये PDF दिए हैं। आप लोग इसको प्रिंट आउट निकाल के हाथ में रख के इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझने में दिक्कत होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।